नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मंजू और इस वीडियो में बात करूंगी मोंटे एलसी टैबलेट और सिरप के बारे में। तो मोंटे एलसी है क्या, इसका यूजेस कहां कहां है, ये कैसे काम करता है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसका डोज, तो इस वीडियो को काइंडली आप लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें। मोंटे एलसी एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका कंपोजिशन है मोंटेलुकास्ट एंड लिवोसिट्रिजिन। मोंटेलुकास्ट ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है और लिवोसिट्रिजिन एंटीहिस्टामिनिक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका यूजेस, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एलर्जिक राइनाइटिस में। सेकेंडली, इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रिवेंशन और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द ब्रोंकियल एस्थमा। जिसको एलर्जिक ब्रोंकियल एस्थमा होता है, मेनली उस केस में हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। थर्डली, हम लोग यूज़ करते हैं इसको अर्ट्रिकेरिया, अगर कोई भी स्किन पर एलर्जिक पैचेस, रैश हो रहे हैं तो उस केस में भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं अगर ब्रोंकियल एस्थमा है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकियल एस्थमा हो रहा है, उसके प्रिवेंशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में आपको बताऊंगी। तो कोई भी एलर्जेंस, फॉर एग्जांपल कोई भी डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स, चाहे पेट एनिमल जिसे एलर्जी है, अगर इनहेल करके हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसके रिस्पॉन्स में हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल मेडिएटर्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। उसे मोस्ट कॉमनली जो दो मेडिएटर्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टामिन है एंड ल्यूकोट्रिन है, ये मोस्ट कॉमनली रिलीज होते हैं और ये जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। ये क्या करते हैं कि नेजल म्यूकोसा में स्वेलिंग कराते हैं, इन्फ्लामेशन कराते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिसके वजह से नेजल कंजेशन होता है, नाक बहता है, नाक के इर्द गिर्द आपके यहाँ पे म्यूकोसा स्वेलिंग होने की वजह से रेडनेस होता है, इचिंग होता है, स्नीजिंग होता है, छींक आएगी और नाक और आँख का जो डक्ट है उसे ब्लॉकेज हो जाता है सिक्रेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसके कारण वाटरी आई होता है। उसके साथ साथ कभी कभी देखा गया है कि कान में भी दर्द होता है। तो इसके एक्शन को रोकने के लिए, इसके जो रोल है उसको हम लोग को इनहिबिट करने के लिए हम लोग इसके एंटागोनिस्ट को देते हैं। जैसे कि अगर ल्यूकोट्रिन के एक्शन को रोकना है तो हम लोग ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट देते हैं जो कि है मोंटेलुकास्ट, और जो है हिस्टामिन के एक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक देते हैं जो कि है लिवोसिट्रिजिन, जो एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम लोग देते हैं मोंटे एलसी के फॉर्म में। सेम इसी तरह से देखा गया है एलर्जिक ब्रोंकियल एस्थमा में। तो कोई भी अगर एलर्जन जाने की वजह से शरीर के अंदर इनहेल होने की वजह से ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिसके कारण ल्यूकोट्रिन और हिस्टामिन रिलीज होते हैं, मेडिएटर जो केमिकल मेडिएटर्स है वो रिलीज होते हैं, जिसके कारण म्यूकस का सिक्रीशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो जिसकी वजह से जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो हो जाते हैं, ब्रोंकियल स्पाज्म हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है, अनइजीनेस होता है। तो इस केस में भी हम लोग मोंटे एलसी का कॉम्बिनेशन देते हैं। एलर्जिक ब्रोंकियल एस्थमा के साथ साथ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अगर ब्रोंकियल एस्थमा है उस केस में भी ब्रोंकियल स्पाज्म हो जाते हैं। उस केस में बहुत जगह माना जाता है कि ये दोनों केमिकल मेडिएटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए डॉक्टर इस केस में भी मोंटे एलसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे अर्ट्रिकेरिया। तो अर्ट्रिकेरिया या हाइप्स, तो ये क्या है, ये एक एलर्जिक स्किन पैचेस है। यहाँ मेनली देखा गया है कि जो स्किन पैचेस एलर्जिक है ये यहाँ पे सिर्फ हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामिन केमिकल मेडिएटर से रिलीज होता है, ल्यूकोट्रिन का बहुत कम रोल है। तो इस केस में हम लोग मोंटे एलसी दे भी सकते हैं, नहीं तो सिंपल एंटी हिस्टामिनिक लिवोसिट्रिजिन चाहे सिट्रिजिन भी देना सफिशियंट है। नेक्स्ट मैं इसके कुछ ब्रांड्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, जो सिरप के फॉर्म में मिलते हैं, डिस्पोजेबल टैबलेट के फॉर्म मिलते हैं और टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। तो इसके कुछ कॉमन ब्रांड्स हैं मोंटे एलसी, मोंटेक एलसी, लिवोसेट एल, ओडीमोंट एलसी, ये इसके कुछ ब्रांड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, सेकेंड है ड्राई माउथ एंड थर्ड है ड्रॉजीनेस, स्लीपीनेस। तो ये तीन जो है इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके साथ साथ देखा गया है डिजीनेस हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम लोग बात करते हैं इसके डोज के बारे में। अगर बच्चा का एज 2 साल से कम का है तो इस केस में जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं देते हैं मोंटे एलसी। अगर बच्चा का एज
एज 2 साल से लेकर 12 साल का है, तो इस केस में हम लोग सिरप मोंटे एलसी किट देते हैं या तो टैबलेट मोंटे एलसी डिस्पोजेबल टैबलेट के फॉर्म में आता है वो देते हैं, जिस पे मोंटे लुकास्ट 4 mg रहता है और लिवोसिट्रिजिन 2.5 mg होता है। अगर बच्चा का एज 12 साल से ज़्यादा का है तो एडल्ट डोज हम लोग उसमें देते हैं, टैबलेट मोंटे एलसी देते हैं, जिसमें मोंटे लुकास्ट होता है 10 mg और लिवोसिट्रिजिन होता है 5 mg। इसको हम लोग जनरली बेड टाइम में देते हैं क्योंकि एंटी हिस्टामिनिक होता है, वो थोड़ा ड्रॉजीनेस करता है, स्लीपीनेस करता है, तो इसका सिंगल डोज चलता है एट नाइट। इन केस ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ओनली। ब्रोंकियल एस्थमा के केस में ये सिर्फ अटैक को, सिम्टम्स को रोकता है, प्रिवेंट करता है, ट्रीट नहीं करता है। अगर एस्थमा का अटैक आ रहा है एक्यूट केस में, अगर सिम्टम्स अगर आ रहा है तो इस केस में आप फर्स्ट लाइन ड्रग ही दें, मोंटे लुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन का उस टाइम कोई रोल नहीं है, उस समय फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वही दें, फॉर एग्जांपल एस्टेरॉयड और बीटागोनिस्ट ही दें, मोंटे एलसी का बहुत कम रोल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इलेक्टेशन। तो देर इज़ वेरी लिमिटेड एविडेंस ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इलेक्टेशन, तो बेटर होगा कि प्रेगनेंसी और इलेक्टेशन में हम इसको ना प्रिस्क्राइब करें अभी इसका, क्योंकि बहुत डिटेल पता नहीं है कितना ये सेफ है कितना नहीं। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि वाई कॉम्बिनेशन मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब इन केस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में हम लोग कॉम्बिनेशन मेडिसिन ही क्यों देते हैं, अकेला हम लोग लिवोसिट्रिजिन भी दे सकते हैं, चाहे मोंटेलुकास्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर लिवोसिट्रिजिन चाहे मोंटेलुकास्ट कास्ट हम लोग दे रहे हैं अकेले, तो ये जो 30-40% सिम्टम्स को कम करता है। अगर इसी को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं लिवोसिट्रिजिन और मोंटेलुकास्ट को, तो ये 70-80% तक आपके सिम्टम्स को ये कम करता है, इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी बच्चे को बार बार एलर्जिक राइनाइटिस, छींक आ रहा है, एलर्जी की वजह से उनको परेशानी हो रही है, नाक बह रहा है, इची हो रहा है, वाटरी आई हो रहा है, तो इस केस को आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, ट्रीट करें, कंट्रोल करें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे का कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है, नहीं कंसंट्रेट कर पाता है, परफॉर्मेंस स्कूल में इसका लो होता है, चाहे ऑफिस में बड़ों का ही परफॉर्मेंस लो होता है, तो बेटर टू इसको कंट्रोल आप जल्द से जल्द करें, इसको आप लाइटली ना लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आप अपना ख्याल रखें, अपने घर के लोगों का ख्याल रखें, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।